ये है सल्फ्यूरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साथ में आता है वाटर, H2O निकलता है और प्लस बनता है सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला होगा Na और SO4। NaSO4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे है मैंने आपको बता रखा है कि SO4 माइनस का 2 वैलेंसी लेता है और Na प्लस लेता है। जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे, बाद में माइनस वाले को लिखेंगे और वैलेंसी को क्रॉस कराएंगे तो मेरे पास यहाँ 2SO4 आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को बाद में बैलेंस करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पहले निकलेगा वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 ये रिएक्शन हमारे घरों पे होती है जब पुताई की